गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हम टेंस के अंदर प्रेजेंट के चार टेंस देख चुके हैं और पास्ट टेंस के अंदर हमने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। यदि आपको याद हो तो रिकॉल कीजिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किस प्रकार की पहचान दी गई थी। हमें पता था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो कोई पहचान आती है तो उसके अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या दिया है, दी है, लिए है, आती है, ठीक। उसका पास्ट रूप हम यहां पर देखते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे। और एग्जाम्पल परीक्षा शुरू होने से पहले की जो मेन वर्ब है वह है पहुंचना, लेकिन उसके पीछे पहचान दे रखी है चुका था। हम इस टेंस के अंदर किस प्रकार के वर्ब काम में लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वाक्य का जो पैटर्न होगा उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर अपने को हेड, और इसके साथ में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में अदर वर्ड्स जो भी आते हैं वो अपने को लिखना है। देखिए इसके अंदर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट्स हों, हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में अपने को हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगाना है। नेगेटिव वाक्य बनेंगे तो नोट का प्रयोग कर देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। यानी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है कि आई वी सी इट के साथ में किस किस प्रकार के वर्ब लगेगी। सबके साथ में एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब है और कॉमन मेन वर्ब है। अपन इस वाक्य को देखें तो इसके अंदर देखा दो वाक्य दे रखे हैं, एक तो दे रखा है परीक्षा शुरू होने से पहले और दूसरा दे रखा है कि मैं स्कूल पहुंच चुका था। अपन इस आगे के सेंटेंस को देखें तो ये क्या है कि टाइम को बताने वाला है। टाइम रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको अपन वाक्य के अंदर अंत में लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अपना जो प्राइमरी सेंटेंस है उसको अपन पहले ट्रांसलेट करेंगे कि मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो यहाँ बीच में दे रखा है, शुरू के अंदर नहीं दे रखा है। शुरू के अंदर एक टाइम रिलेटेड एडवर्ब दे रखा है, परीक्षा शुरू होने से पहले, ये तो टाइम ही है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं आई। हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर अपने को हेड लगा देना है, आई हेड। इसके बाद में अपने को देखना है वर्ब पहुंचना, पहुंचने को कहते हैं रीच। तो यहां पर अपन वर्ब के थर्ड फॉर्म रीच को काम में लेंगे, आई हेड रीच्ड। फिर दो चीजें हैं, एक टाइम दे रखा है, एक प्लेस दे रखा है, स्कूल प्लेस है और ये टाइमिंग है। तो अदर वर्ड्स के अंदर बात बताई गई थी कि जिस प्रकार की चीज आती है तो आपको प्लेस पहले लिखना है और टाइमिंग को एकदम लास्ट में लिखना है। तो अपने आप लिखेंगे कि आई हैड रीच्ड तो स्कूल। अब परीक्षा शुरू होने से पहले तो पहले को अपन लिखेंगे बिफोर द एग्जाम Started। इस प्रकार से अपना यह सेंटेंस बन जाता है। एक एग्जाम्पल अपन और देखें इसका,
जैसे वाक्य दे रखा हो पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसे टेंस की एक विशेषता यह भी है कि यह टेंस कभी भी अकेला काम में नहीं आता है। इस टेंस के साथ साथ में सिंपल पास्ट टेंस का भी उपयोग मिलेगा। एग्जाम के अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको केवल एक सिंगल सेंटेंस दे दिया बिना किसी आइडेंटिटी के और कह दिया आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसे जब इस प्रकार का टेंस आपके सामने आएगा तो उसके अंदर दो प्रकार के टेंस का उपयोग होगा। अपन ने एक प्रेजेंट सिंपल टेंस भी देखा जिसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो उसके अंदर भी दो टेंस का उपयोग किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस भी इसी प्रकार का टेंस है जिसके अंदर दो प्रकार के टेंस का उपयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये भी एक टाइम रिलेटेड बात बता रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले और यह दे रखा है मरीज मर चुका था। तो अपन इसको पहले लिख देते हैं द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये जो टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स है सेंटेंस दे रखा है या क्लॉज दे रखा है उसको अपन मेन सेंटेंस के बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपना हिंदी टू इंग्लिश के अंदर एक ट्रांसलेशन करने का फॉर्मूला आता है। आप थोड़ा सा यदि वाक्य को समझेंगे तो एकदम आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस को कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कैसे टेंस का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी इसके यूजेस रहते हैं। बड़े सेंटेंस होने का मतलब ये नहीं है इसके अंदर कि भाई आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप समझ लेंगे तो इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आसानी से भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन वर्ब देख इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला उपयोग इसके अंदर जो होता है वाक्य में दो प्रकार का कार्य दिया हुआ हो जिसमें एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में हो तो पहले हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाले कार्य को सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर दो प्रकार के कार्य दिए हुए रहेंगे जिसके अंदर एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में दिया हुआ रहेगा। यदि वाक्य के अंदर कोई पहचान नहीं दे रखी है तो आपको क्या करना है थोड़ा वाक्य को पढ़ करके पता लगाना होगा कि वाक्य के अंदर वास्तव के अंदर कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट इवनिंग व्हेन आई खाली जगह दे रखी है और देर का कम आउट ऑफ द बैंक आई फाउंड दैट संबंध फिर खाली जगह दे रखी है स्टील माई बाइक
अब ऐसे वाक्य के अंदर वैसे तो कोई पहचान नहीं दे रखी, लेकिन दोनों वाक्यों के अंदर जो दिया गया वर्क है, इस वर्क को अपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्क पहले हो रखा है और कौन सा वर्क बाद में हो रखा है। तो अपन वाक्य को देख के तलाश इवनिंग वेन आई खाली कम आउट ऑफ द बैंक आई फाउंड दैट समवन खाली स्टील माई बाइक। पिछली शाम जब मैं बैंक से बाहर आया मैंने पाया कि किसी ने मेरी बाइक चुरा ली। तो आप यहाँ पर अनुमान लगाइए तो कौन सा काम पहले हो रखा है, क्या बैंक से बाहर आने का काम पहले हुआ है या बाइक के चोरी होने का काम पहले हुआ है। तो अपन देखते हैं कि बाइक के चोरी होने का काम पहले हुआ पता बाद में चला है जबकि वो बाहर आ गया था तब। तो ऐसे में जो काम पहले हो गया है तो पहले हुए कार्य के लिए हम क्या करते हैं, पहले हुए कार्य के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे, यानी हेड और वर्क के थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो संबंध हेड स्टिल की आपको थर्ड फॉर्म ध्यान में रहनी चाहिए वो होती है स्टॉलन। और जो काम बाद में हुआ उसको अपन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लिखेंगे और सिंपल पास्ट टेंस की जो वर्क हुआ करते वो होती वर्क की सेकेंड फॉर्म। तो लास्ट इवनिंग वेन आई कम की सेकेंड फॉर्म हुआ करती केम आउट ऑफ द बैंक आई फाउंड दैट समवन हैड स्टॉलन माय बाइक। इस टेंस का अपन सेकेंड यूज देखते हैं, दूसरा उपयोग कहां पर किया जाता है। यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, देखिए पहला वाक्य दे रखा होगा ये कनेक्टिव वाक्य के बीच में लगा हुआ हो और उसके बाद में दूसरा वाक्य दे रखा हो, या फिर बिफोर वाक्य के शुरू के अंदर दे रखा है उसके बाद में खाली जगह वाला वाक्य है उसके फिर बाद में खाली जगह वाला वाक्य दे रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने को थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए कि बिफोर का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब को अपन पहले लिखेंगे यानी बिफोर से पहले। तो यहाँ पर अपन खाली जगह आएंगे तो उसके अंदर हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग कर देंगे और दूसरे वाले वाक्य के अंदर क्या करेंगे वर्क इज सेकेंड फॉर्म, और यदि वो वाक्य नेगेटिव हुआ तो डिड नॉट के साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। यदि कनेक्टिव वाक्य के ठीक शुरू में दे रखा है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बिफोर के ठीक इधर वाले वाक्य के अंदर वर्क की सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पर भी अपन ठीक बिफोर के पास वाले वाक्य के अंदर वर्क की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड नॉट के साथ में वर्क के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। और जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा उसके अंदर अपन हेड और वर्क की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाक्य दे रखा है द ट्रेन खाली में दे रखा लीव द स्टेशन बिफोर आई खाली जगह दे रखा है रीच दे एक एग्जाम्पल और देखिए यहां पर बिफोर माय फ्रेंड कम टू सी मी यहाँ पर बिफोर का प्रयोग वाक्य के बीच में कर रखा है।
जब बिफोर का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है तो क्या करना है, हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको पहली खाली जगह के अंदर लिखना है और बिफोर के बाद की खाली जगह के अंदर सिंपल पास्ट टेंस के वर्ब को काम में लेना है। तो यहाँ पर तो अपन काम में ले लेंगे हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म अपने को लिखनी है, क्या होती है, लेफ्ट। तो द ट्रेन हेड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर टाइम, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड देयर, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन रवाना हो चुकी थी। यहाँ पर भी आपको पहले वाले रूल के बारे में एक बात मिलेगी कि एक काम पहले और दूसरा काम बाद में हुआ है। इसका मतलब है कि ट्रेन के स्टेशन जाने का काम पहले हो गया और मेरा स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखिए, कि बिफोर माई फ्रेंड खाली जगह दे रखा था उसी में आई खाली जगह टेक माई फूड। इस सेंटेंस के अंदर बिफोर का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर रखा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर का बिफोर माई फ्रेंड केम, क्योंकि अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला रख दे रखा है कि बिफोर के ठीक बाद वाला वाक्य यदि आएगा तो उसके अंदर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे और सेकंड खाली जगह के अंदर अपन क्या करेंगे, हैड टेकन। इस वाक्य का मतलब देखेंगे तो भी ये पहले वाले रूल को एक्सप्लेन करने वाला लिखेगा, तो बिफोर माय फ्रेंड केम टू सी मी, तो मेरे मित्र के बिफोर माय फ्रेंड केम टू सी मी आई हैड टेकन माय फूड, तो इससे पहले कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया मैं अपना खाना ले चुका था। इसका मतलब अगर खाना खाने का काम पहले हो गया है और उसके मिलने का काम जो हुआ था वह बाद में हो रखा है। ठीक इसी तरह से अपन इस टेंस का अगला रूल देखते हैं, यदि वाक्य के अंदर अपने को बिफोर का ऑपोजिट वर्ड दिखाई देता है, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यदि वाक्य के अंदर आफ्टर का प्रयोग किया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, यदि खाली जगह दे रखी है आफ्टर का प्रयोग वाक्य के बीच में कर रखा है और उसके बाद मोर खाली जगह दे रखी है तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया को अपने को बाद में काम में लेना है, यानी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेना है और उससे पहले वाली खाली जगह के अंदर अपन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नेगेटिव होगा तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर लेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, यदि आफ्टर का प्रयोग वाक्य के शुरू में दे रखा है फिर खाली जगह है और उसके बाद में और खाली जगह वाला वाक्य दे रखा है तो सेम चीज़ अपने को यहाँ पर ये लागू करनी है। तो आफ्टर के ठीक बाद में यहाँ पर अपन हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे और दूसरे खाली जगह के अंदर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, जिस वाक्य दे रखा है पता पीओन खाली जगह है ब्रैकेट में दे रखा है नी द वे आफ्टर आल खाली जगह दे रखी है एंटर इनटू द स्कूल। इस वाक्य के अंदर देखिए आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर वाक्य के बीच में कर रखा है, इसके बाद में एक वाक्य हो गया था तो आफ्टर का प्रयोग एक वाक्य के बीच में है तो ठीक उसके आगे वाले वाक्य के अंदर अपने को हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। तो आफ्टर आई हेड एंटर्ड इनटू द स्कूल, यानी मेरे स्कूल के अंदर प्रवेश कर लेने के बाद द पियोन रेंग द बेल, पियोन ने घंटी बजाई। इसका मतलब है कि एक काम पहले और दूसरा काम बाद में हो रहा था इसमें भी, तो पहले स्कूल के अंदर एंटर हुआ उसके बाद में पियोन ने रिंग बजाई है, तो जो काम बाद में हुआ है
जो काम पहले हुआ उसको तो अपन हेड और वर्क के थर्ड फॉर्म के अंदर करेंगे, जो काम बाद में हुआ उसका वर्क हुए सेकंड फॉर्म के अंदर उपयोग करते हुए लिखेंगे। तो घंटी बजाने का काम बाद में है तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आ जाया करता है। फाइनली अपन इसका एक यूज और देख लेते हैं। इस टेंस के नियम बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये आसानी से अपन किसी भी प्रकार का यदि सेंटेंस आ जाता है तो अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक यूज इसका ये भी है कि यदि वाक्य में हार्डली, यस कैसे का उपयोग हो रहा हो तब भी अपन इसी टेंस का उपयोग करते हैं। ये हार्डली एंड स्कैसली वाले जो वर्ड होंगे ये आपको वाक्य के शुरुआत के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली खाली जगह दे रखी है, आई खाली जगह दे रखी है, गो आउट ऑफ दी डोर, इट खाली जगह दे रखा है, बिगिन टू रेन। तो देखिए हार्डली का प्रयोग यदि वाक्य के शुरू के अंदर दिया हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है कि यहाँ पर दो खाली जगह मिलेगी, एक के अंदर आपको हेल्पिंग वर्क काम में लेनी है, दूसरे के अंदर वर्क के थर्ड फॉर्म को काम में लेना है। तो हार्डली के बाद में हमेशा हेड का ही प्रयोग किया जाता है और कोई वर्क आती भी नहीं है। तो हार्डली हेड आई इसके थर्ड फॉर्म गॉन, तो गो वेंट गॉन, हार्डली हेड आई गॉन आउट ऑफ द डोर, इट बिगिन की सेकेंड फॉर्म आपको यहाँ पर काम में लेनी है, बिगेन टू रेन। इसका मतलब है कि अभी मैं मुश्किल से दरवाजे से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। इसका मतलब है कि बाहर निकलने का काम तो हुआ ही था लेकिन उसी दरमियान बरसात भी शुरू हो गई। इसका मतलब कि पहले एंटर बाहर की तरफ कदम रखा है उसके बाद में बारिश शुरू हो रखी है। तो जो काम पहले हो रखा है उसको हेड और वर्क के थर्ड फॉर्म के अंदर अपने को काम में लेने में इसके अंदर। ये अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के कुल चार रूल्स थे। इसके बाद में अपन अगला टेंस देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, केवल अपने को एक ही रूल ध्यान में रखना उसका और वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरिटी आपको इसके अंदर यही मिलेगी कि जैसा कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा ठीक उसी तरह से ही इसका भी उपयोग है। इसके अंदर पहचान क्या दी मिलेगी, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये पहचान अपने को देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे दो घंटे से खेल रहे थे, यदि यहां पर टाइमिंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, यह वाक्य केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं कहलाएगा। यह टेंस अपने को यह बताता है कि पिछले टाइम के अंदर काम शुरू हुआ और उसके बाद में भी वह चलता रहा। वर्ड यदि अपन देखें इस टेंस के अंदर तो सबसे पहले अपने को वाक्य का सब्जेक्ट काम में लेना है, हेल्पिंग वर्ग के रूप के अंदर हेड बीन को काम में लेना है, मेन वर्ग की आईएनजी फॉर्म काम में लेनी है, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट चाहे किसी भी प्रकार का हो आपको हेल्पिंग वर्ग के रूप के अंदर हेड बीन
और मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ही उपयोग करना होगा। अब ऊपर जो सेंटेंस दिया था अपन उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे, तो खेलने का काम कौन कर रहा था, चिल्ड्रन, तो हो जाएगा आपकी चिल्ड्रन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है हेड बी, खेलना को प्ले कहते हैं, तो आईएनजी फॉर्म का उपयोग हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग। टाइमिंग दे रखी है तो 4 to 2 hours। इस प्रकार से अपन इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जो रूल अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ा वही रूल यहां पर भी लागू होता है, और वो रूल कौन सा है, तो वाक्य में फॉर या सिंस के साथ समय दिया हुआ हो। और पास्ट की बात बता रखी हो, बताई गई हो, बात भूतकाल की हो और साथ में टाइमिंग भी दे रखा हो और भूतकाल के अंदर ये कार्य जारी रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाक्य दे रखा है तो व्हेन आई रीच्ड होम माय यंगर ब्रदर, खाली जगह दे रखी और ब्रैकेट के अंदर दे रखा हूं वॉच, टीवी सिंस मॉर्निंग, इस वाक्य के अंदर सिंस के साथ में टाइमिंग दे रखा है और आगे का वाक्य जो है वो पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऐसे में यदि वाक्य में फॉर और सिंस का प्रयोग कर रखा हो तो अपन क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब का उपयोग करेंगे। तो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो माय यंगर ब्रदर हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, तो मेरा छोटा भाई सुबह से टीवी देख रहा था। एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं इसका, आई खाली का दे रखा है रीड ए बुक फॉर टू आवर्स व्हेन माय फ्रेंड came to see me। देखिए इस वाक्य के अंदर व्हेन का प्रयोग कर रखा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम हर एक जगह पर केवल कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का उपयोग करेंगे। अपन ने पिछले टेंस के अंदर देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जिसके अंदर व्हेन और व्हाइल का भी उपयोग देखा था, तो जब वाक्य के अंदर व्हेन और व्हाइल का उपयोग किया जाता है तो अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, तो फॉर के साथ और सिंस के साथ में एक टाइमिंग दे रखी होती है, तब अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पर वाक्य है पास्ट टेंस का है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब को काम में नहीं लेंगे। वाक्य को आपको ये देखना है कि दूसरे वाक्य के अंदर किस प्रकार की वर्ब दे रखी है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों टेंसों का उपयोग कभी भी एक सेंटेंस के अंदर नहीं किया जाता, तो यहाँ पर पास्ट टेंस होने के कारण अपन पास्ट का ही एक रूप काम में लेंगे। फॉर के साथ में टाइम है तो यहाँ पर कर देंगे कि आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours व्हेन माय फ्रेंड केम टू सी मी, जब मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया
तो मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा था। तो ये अपने प्रेजेंट के और पास्ट के जो 4 रूप थे, उन 4 रूपों के बारे में अपन ने देखा। अगली क्लास के अंदर हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे।